देखिए साथियों, क्रिकेट का वीडियो आपको यूट्यूब पे डालना है यानी क्रिकेट का चैनल आपको बनाना है, क्रिकेट हाइलाइट्स का चैनल बनाना चाहते हैं तो देख सकते हैं, मैं अपने यूट्यूब चैनल में बना चुका हूँ। मैं इसे पैसा भी कमा रहा हूँ और कितना पेमेंट मैं उठा भी चुका हूँ। और पता है आपको क्रिकेट के वीडियो में बहुत बेनिफिट है क्योंकि ये सब दिन आपको कंटेंट मिलता रहेगा, कभी भी कंटेंट का दिक्कत नहीं होगा। यानी आपकी टॉपिक की बात कर रहा हूँ, कभी टॉपिक का दिक्कत नहीं होगा। आप एकदम में 10-10 चैनल चला सकते हो और हर वीडियो हर अगर चैनल से भाई 5-5 हज़ार भी आ रहा है ना महीने का, तो बता सकते हैं 50 हज़ार तो नॉर्मल आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, चैनल चलता भी है। आपको बताएंगे कि हम क्रिकेट का चैनल बनाने के लिए आपको तो पहले यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, जैसा कि मैं अभी आ चुका हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना होता है, ये देख सकते हैं, मैं अभी टिक लगा के आपको बताता हूँ। जो यहाँ पे आप CNTV लिखा हुआ है, जहाँ पे आपको फोटो भी आपका मोबाइल अपना दिखाई देगा या फिर नाम का पहला अक्षर भी दिखाई, यानी यहाँ से आपको चैनल क्रिएट करने का ऑप्शन खुलता है। यानी यहाँ से आप चैनल जाके आप चैनल खोल सकते हैं, अपने नए चैनल जो भी होता है। ठीक है, देखिए फिलहाल मैं अपने CNTV 381 जो चैनल है वो मैं खोला हुआ हूँ, ऊपर मेरा दिखाई भी दे रहा है, लिखा हुआ है CNTV 381। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, अच्छा से मैं सिखा दूंगा कि चैनल आप कैसे क्रिएट कर पाएंगे। देखिए मैं वहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ, क्लिक करके बाद मेरा जो चैनल है ना वो मेरा चैनल खुल गया है मेरे सामने। ऐसे आप जब आपका चैनल बन जाएगा ना तो आप ऐसे खोल के अच्छा से आप देख पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लोग अधूरा देखते हैं तो कुछ सीख नहीं पाते हैं, और मैं तो यूट्यूब चैनल चलाता हूँ तो हमको तो अच्छा से आता है चलाने के लिए। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करके और मेरा दो तीन मैं कितना चैनल चलाता हूँ आप देख सकते हैं। यहाँ में से आपको सिखाने के लिए कोई नया ईमेल आईडी लिया हूँ और उस पर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे चैनल क्रिएट करेंगे, क्योंकि मेरा अक्सर चैनल खुला हुआ है। आपको ये सब करने का कोई दिक्कत नहीं, आपको तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। जैसे देखिए आ गया ना, अब मानिए यहाँ से आपका शुरू हुआ है, यहाँ आपका मानिए नया ईमेल आईडी है। अब जहाँ जहाँ हम क्लिक करते हैं, जैसे जैसे हम क्लिक करेंगे सेम टू सेम आपको वैसा वैसा क्लिक करना है। देखिए हम यहाँ क्लिक किए हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखिए नीचे ऑप्शन भी आ चुका है, जहाँ कि मैं टिक लगा के अभी बताऊँगा। देखिए वहाँ पर फोटो लगाने का बात है, वहाँ पर फोटो लगा सकते हैं, वहाँ पर नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर हैंडल लिख सकते हैं, और नीचे क्रिएट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, जहां आप प्रेस करके आप चैनल क्रिएट करेंगे यानी चैनल बनाएंगे। जिसको नहीं बनाने आता है अच्छे से देखिए, आपको अच्छा से मैं बता देखिए मेरा चैनल क्रिएट हो गया है, मेरा मतलब चैनल मेरा बन चुका है, अब मैं वीडियो डाल सकता हूं। लेकिन बात क्या आता है जी, आप देखिए मेरा कट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कटना ही था, मतलब कट जाता है ना धोखा देखिए में। चलिए आपको बताते हैं, क्रिएट करते हैं चैनल, चैनल क्रिएट कर कुछ भी वीडियो डाल सकते हैं, लेकिन नाम धरना जरूरी होता है क्योंकि बताइए किसी को आप बोलिएगा भाई मेरा ये चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दो, तो सर्च में तो आना चाहिए, यानी ऐसा नाम धरिए जो सर्च में आए नाम। ठीक है, वो नाम सर्च में आना चाहिए। अगर आप जो नाम धरते अगर सर्च में नहीं आता है तो उस पर मैं वीडियो एक लेकर आऊँगा और आपको सिखाऊंगा जिस चैनल सर्च में कैसे लाता है। लेकिन अक्सर चैनल सर्च में नहीं आता है तो उसको चैनल सर्च में लाना पड़ता है, वहाँ पर कीवर्ड डालना पड़ता है, वो क्रोम से होता है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर अभी बता रहा हूँ, जहाँ पर आप नाम धरना चाहे जो भी, तो मैं यहाँ पर नाम धरने वाला हूँ क्रिकेट हाइलाइट्स 24। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट देखिए अभी 2024 चल रहा है और क्रिकेट हाइलाइट्स 24 यानी जो बंदा ये नाम सर्च करेगा, मैंने वो वीडियो ही सर्च करेगा तो मेरा चैनल आ जाएगा, तो सब्सक्राइब भी कर देगा, मेरा वीडियो भी देखेगा। नहीं तो मैं इसलिए ये नाम धर दिया हूँ। अब बात आता है कि नीचे हैंडल के बारे में, देखिए मैं हैंडल के बारे में अब बताऊंगा। देखिए हैंडल है ना, हैंडल का मतलब क्या होता है, आपका चैनल सर्च में आए चाहे ना आए, लेकिन ये हैंडल जो अभी लिखा रहा है ना, ये हैंडल से 100% आपका चैनल उसी वक्त सर्च में आएगा। एट द ग्रेट लिखा है ना, किसी के मोबाइल में जाइए और एट द ग्रेट लिखिए और लिखिए क्रिकेट हाईलाइट सटा के 24, आपका चैनल एक नंबर में 100% आएगा। यानी मैं अभी सर्च कीजिएगा तो मेरा ही चैनल आ जाएगा क्योंकि मैं चैनल बना लिया हूँ। और आप बनाएंगे तो कुछ दूसरा डाल दीजिएगा, उसी में 23 के 24 25 कुछ भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर आने के बाद कभी कभी क्या होता है, जो नहीं लेता है तो नीचे रिकमेंड करता है तो उसको लेना पड़ता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत मेहनत करके आपके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप भी पैसा कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलजुल के काम आएंगे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं, पीछे जो है कैमरा वाला छाप वहाँ पे बैनर लगा सकते हैं। अगर आपको ये सब सीखना है तो यूट्यूब पे जाइए और सर्च कीजिए जो लोगो कैसे बनाए और बैनर कैसे बनाए, क्योंकि ये सब जरूरी है। मानिए आपका ये दुकान है और दुकान का यही पोस्टर है, मान लीजिए आपका चैनल एक दुकान है, दुकान में कुछ बेचते हैं तो भाई आपका पोस्टर होगा ना, हाँ मेरे यहाँ ये बिकता है, इसलिए ये दुकान मान लीजिए ऐसा ही है, तो यहाँ पे बंदा देखेगा तो आपका चैनल के अंदर आएगा, जाएगा जी हाँ मेरा को जो वीडियो यहाँ चाहिए वो यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। देखिए वहाँ पे अब मैं जटीजा का फोटो सेट कर दिया फोटो पे। अब देखिए अब क्या है ना, जी मेरा यहाँ सब सेट हो गया है। अब चंदा नाम है, उस चंदा नाम को भी मैं सेट कर
करके क्रिकेट हाईलाइट 24 कर दिया हूँ। अब देखिए मैं वीडियो कैसे डालना है इसके बारे में बताया हूँ, तो आप देख सकते हैं वीडियो कैसे डलाएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको वीडियो वाला सेक्शन में जाइए, वगल में वीडियो वाला सेक्शन है, उस वीडियो वाला सेक्शन पर प्रेस कीजिए और वहाँ से आप वीडियो कोई भी उठा के डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से वीडियो बनाए रखिएगा और यहाँ पर डाल दीजिएगा। लेकिन आपको बता दें कि वीडियो डालने का जो अच्छा तरीका होता है वो मैं वीडियो कल लेके आऊँगा और आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो दिक्कत होगा, बताइए, मैं आपको सिखाता हूँ हर चीज़, तो देख लीजिएगा ना, क्या ही दिक्कत है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे जो YouTube पर अच्छी तरह से वीडियो डालने का समय क्या है, कैसे।